First of all, very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the topic ribs. Before going to start, first you guys have a previous class contained, that is skeletal system. It is important for locomotion, for example, jaw and limbs, then limbs for walking and jaw for chewing. Then what are these skeletal system and principally divided into? They are principally divided into mainly two part, axial skeletal system and appendicular skeleton. What is axial skeleton, which form main axis of a human, that is cranial skeleton. Then cranial skeleton consists of skull bone and facial bone. Skull bone is 18 number, facial bone is 14 number. Now इसके बाद vertebral system में vertebral column, then 26 in number में 7 cervical, 5 sacral, then 7 cervical, then 12 thoracic और 5 lumbar, sacral 1, coxial 1. तो फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रिब्स. रिब्स नॉर्मली जो रिब नंबर ऑफ रिब्स कितने होंगे, ये 12 पेयर रिब्स प्रेजेंट इन ह्यूमन. 12 पेयर रिब्स में दैट मींस कि 12 पेयर्स का अगर हम पूरा एक्सटेंड करके देखा जाए तो 24 ही नंबर. अब इसको पूरा अच्छे से एक्सटेंड करके देखेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिब्स भी यहाँ प्रेजेंट होंगे. सभी रिब्स एक जैसे नहीं होते हैं, जैसे कि रिब्स टोटल नंबर ऑफ रिब्स रिब्स आर 12 pairs present होंगे. ना 12 pairs में approximate जो number होगा वो 1 to 7 pair of ribs. 1 से लेकर 7 pair तक ये true ribs known as true ribs. True ribs का मतलब क्या है? They are dorsally attached with the, that is they are dorsally attached with the vertebral column. That is thoracic vertebrae. Dorsally ये thoracic vertebrae से attach होंगे. True ribs किन्हें बोला जाएगा कि जो ribs dorsally vertebral column और thoracic vertebrae से attach हैं and ventrally with sternum. तो ventrally sternum से जुड़े होंगे, इसी क्या बोला जाएगा true ribs, known as true ribs. Now 1 to 7 pair तो true ribs हो गए. Then इसके बाद some ribs, that is 8, 9 and 10, total 3 pair of ribs attach ventrally with the this seventh pair, that means seventh जो pair होगा उससे attach रहेंगे. तो यहाँ पे मैं structure बना दे रही हूँ कि कैसे ये attach thoracic ribs कैसे होंगे. सबसे पहले यहाँ पर seven pair main axis cervical vertebrae, cervical
सर्वाइकल वर्टिब्री, देन सर्वाइकल वर्टिब्री के बाद थोरैसिक वर्टिब्री, थोरैसिक वर्टिब्री से ये सभी स्टर्नम, सेवन पेयर अटैच होंगे, सेवन पेयर वर्टिब्री सॉरी सेवन पेयर रिब्स आर अटैच विद द स्टर्नम, स्टर्नम से अटैच होंगे, और जो एट नाइन और टेन थ्री पेयर किससे अटैच होंगे, इसी सेवंथ वर्टिब्री से अटैच होंगे, एट नाइन एंड टेन। बाय हाईलाइन कार्टिलेज, तो हाईलाइन कार्टिलेज के थ्रू ये सभी अटैच होंगे ना। यहाँ पे वर्टिब्री जो सेवंथ पेयर, जो एट पेयर होगा वो सेवंथ पेयर से अटैच होगा, सिमिलरली नाइन्थ भी सेवंथ से अटैच होंगे, और टेंथ भी, टेंथ पेयर भी सिमिलरली सेवंथ से ही अटैच होंगे। तो दीज आर नोन एज फॉल्स वर्टिब्री, दीज वर्टिब्री आर नोन एज फॉल्स वर्टिब्री, एट नाइन टेन वर्टिब्री डॉर्सली अटैच विद द वर्टिब्रल कॉलम रिब्स, एट नाइन टेंथ रिब्स डॉर्सली अटैच विद द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली अटैच विद द सेवंथ वर्टिब्री, सेवंथ वर्टिब्री से ये अटैच होंगे, जिस वजह से होना चाहिए स्टर्नम से अटैच, लेकिन सेवंथ वर्टिब्री से अटैच होने की वजह से इन्हें फॉल्स वर्टिब्री बोला जाता है, सेवंथ वर्टिब्री, सेवंथ रिब्स, सेवंथ रिब्स से अटैच होने की वजह से अब यहाँ पे जो रिब्स बोला जाएगा इन्हें नोन एज वर्टिब्रो ब्रोंकल रिब्स, वर्टिब्रो ब्रोंकल रिब्स, रिब्स और फॉल्स रिब्स, ऑल्सो नोन एज फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स भी बोला जाता है। नॉर्मली जो अटैचमेंट होगा वो डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम रिब्स का, देन वेंट्रली बाय स्टर्नम, स्टर्नम के थ्रू अटैचमेंट होगा, देन यहाँ जितने पेयर रिब्स ये फॉलो, ये अटैचमेंट फॉलो करते हैं, दे आर इंक्लूडेड इनटू ट्रू रिब्स, एंड रेस्ट एट नाइन एंड टेन रिब्स डॉर्सली तो अटैच रहेंगे वर्टिब्रल कॉलम से ही, लेकिन वेंचुअली ये स्टर्नम से ही अटैच रहते हैं, तो सो दैट दे आर नोन एज वर्टिब्रो ब्रोंकल रिब्स ना। इसके बाद नेक्स्ट रेस्ट कितने बच गए, रेस्ट इलेवंथ, टू पेयर अभी भी बचे हुए हैं, इलेवंथ एंड ट्वेल्थ पेयर रिब्स, दे आर डॉर्सली अटैच विद द वर्टिब्रल कॉलम, बट वेंचुअली कोई अटैचमेंट नहीं शो करते हैं,
12th vertebrae. Dorsally attached attached with the vertebral column, and ventrally they float in thoracic region. Known as floating ribs, जिसके वजह से बोला जाता है ना इस floating ribs, that means कि ये float करते रहेंगे. जब भी respiration process होगा तो during respiration process ये क्या होंगे कि क्योंकि हमें thoracic chamber increase करना होता है तो और ribs तो इंक्रीज करते हैं, लेकिन फ्लोटिंग रिब्स क्या करेंगे, ये एक्सटेंड हो सकते हैं स्टर्नम से अटैच नहीं होने की वजह से. यहाँ पे क्या होगा कि रिब्स 11th एंड 12th रिब्स क्या होंगे कि ईजली ये बाहर की तरफ एक्सटेंड हो सकते हैं और रिलैक्स फेज में जा सकते हैं ईजली. सो जो ओवरऑल जो थोरेसिक कैविटी के चैम्बर हैं या जो थोरेसिक चैम्बर है इसका जो सरफेस इसका ओवरऑल एरिया बढ़ सकता है, तो जिसकी वजह से ये फ्लोटिंग रिब्स का फॉर्मेशन होता है. फ्लोटिंग रिब्स बस ये होंगे कि ये उतनी अगर स्टर्नम से नहीं अटैच होंगे तो उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये एक चैम्बर में स्पेस ज़्यादा होने लगता है. जो थोरेसिक चैम्बर में जो स्पेस है वो बढ़ जाता है फाइनली. तो इस वजह से ना और टोटल रिब्स हो गए. टोटल रिब्स कितने थे, 12 पेयर रिब्स जिसमें कि 1 to 7 पेयर ट्रू रिब्स, देन 8, 9, 10 पेयर रिब्स आर नोन एज वर्टिफॉल्स रिब, वर्टिब्रो ब्रोंकल रिब्स और फॉल्स रिब बिकॉज दे आर डॉर्सली अटैच विद द वर्टिब्रल कॉलम बट ventrally they are attached with the 7th vertebrae. Then 9th, 8, 9, 10 तक ये vertebral bronchial ribs और false ribs type of ribs हो गए. Then 11th and 12th ribs are known as floating ribs because they are dorsally attached with the vertebral column but ventrally they are float in thoracic region so that they are known as floating ribs. अब floating ribs के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, जो फ्लोटिंग रिब्स होंगे ये एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसके वजह से एयर चैम्बर इंक्रीज कर जाता है ना. दे प्रोवाइड फ्लोटिंग रिब्स आर फ्लेक्सिबल, मोर फ्लेक्सिबल इन कंपैरिजन टू अदर वर्टिब्री. फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये क्या करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, स्पेस प्रोवाइड करते हैं, तो दैट इंक्रीज स्पेस ऑफ थोरेसिक चैम्बर. तो यहाँ पे ये थोरेसिक चैम्बर हो गया. अब एक और यहाँ पे एक पॉइंट है कि ये थोरेसिक चैम्बर किसके थ्रू जुड़े रहेंगे, तो ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि लोकोमोशन और मूवमेंट में बोन्स एंड कार्टिलेज
हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे सब ज्वाइंट करने का काम कार्टिलेज के थ्रू ही होगा, तो कार्टिलेज बाइंड करने में हेल्प करेंगे ना। यहाँ पे नेक्स्ट है रिब्स के बाद, रिब्स और जो रिब्स हो गया और स्टर्नम ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। तो जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन से थे, क्रेनियल सिस्टम, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स, ये कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट इज सेकंड डिवीजन इज अपेंडिकुलर स्केलेटल। अपेंडिकुलर स्केलेटल में इंक्लूडेड फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। पेंडिकुलर स्केलेटन स्केलेटन। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे? अपेंडिकुलर स्केलेटन में मेनली फोर लिम्स इंक्लूड होगा और हाइंड लिम्स इंक्लूड होगा। तो फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स इंक्लूड फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स आर 30 and 30। टोटल नंबर ऑफ bones in both the limbs are 60 in number, each has 30 bones, each limbs has 30 bones। Now अब four limbs discuss कर लेते हैं कि four limbs में कितने bones होंगे 30 bones में से। That is four limbs, four limbs, four limb. This is articulated by pectoral girdle, this is articulate by pectoral girdle, pectoral girdle के through ये articulate होते हैं। यहाँ पे pectoral girdle के through ये articulate होंगे, movement जो होगा pectoral girdle के through लिम्स का मूवमेंट होगा थ्रू जॉइंट्स। हम जॉइंट्स बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे जॉइंट्स का मेन फंक्शन होता है इन फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स लिम्स में ना। पेक्टोरल गर्डल के थ्रू अटैच रहते हैं। अब फोर लिम्स में टोटल बोन कौन कौन से होंगे, नंबर ऑफ बोन्स आर 30 then 30 bone में से first bone is humerus और second humerus, radius, ulna। तो यहाँ पे bone का स्ट्रक्चर में बना दे रही हूँ, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना कहाँ जो बाइसेप्स वाले होते हैं उसी में जो बोन होंगे लॉन्ग बोन, ह्यूमरस, देन इसके बाद लॉन्ग बोन के बाद टू बोन आएंगे रेडियस अल्ना, देन रिस्ट बोन आएगा इसके बाद, दैट इज कार्पल्स 8 इन नंबर, दीज ऑल आर वन इन नंबर देन इसके बाद जो बोन है
रेडियस अल्ना के बाद कार्पस 8 इन नंबर होंगे, देन कार्पस के बाद मेटा कार्पस, मेटा कार्पस 5 इन नंबर एंड फैलेंजेस फिंगर बोन। तो टोटल बोन कितने हो गए 13 इन नंबर, टोटल बोन्स आर 13 इन नंबर, 13 इन नंबर। नाउ सिमिलरली यहाँ पे हाइंड बोन्स भी इसी तरीके से होंगे, 8 कार्पस, मेटा कार्पस एंड फैलेंजेस। तो रेडियस जो ह्यूमरस है और रेडियस है, अल्ना है बाइसेप्स में, देन कार्पस हमारी रिस्ट बोन, देन मेटा कार्पस पाम बोन के बाद, देन फैलेंजेस में फिंगर बोन्स। तो फिंगर बोन्स कितनी है 14 इन नंबर होंगे। नाउ सिमिलरली हाइंड लिम्ब में इसी तरीके से डिवीजन होगा, हाइंड लिम्स में नंबर ऑफ बोन 30, बोन्स 30 एंड आर्टिकुलेट बाय पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल से आर्टिकुलेट होंगे, देन टोटल जो बोन से 30 है, अब बोन में कौन कौन से बोन होंगे, बोन्स आर फीमर इज लॉन्गेस्ट बोन एंड 1 इन नंबर, नंबर 1 होगा फीमर, देन टीबिया एंड फिबुला, टीबिया एंड फिबुला दीज आर ऑल्सो 1 इन नंबर। नाउ टीबिया और फिबुला के बाद जो स्ट्रक्चर होगा मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, फीमर फीमर देन टीबिया एंड फिबुला इसके लोअर रीजन में प्रेजेंट होंगे, लोअर यहाँ पे अटैच होंगे टीबिया। सिमिलरली मैं इसको यहाँ पे बना दे रही हूँ टीबिया, देन फिबुला, टीबिया एंड फिबुला। टीबिया एंड फिबुला ये दोनों नीचे अटैच होंगे, बिलो द फीमर, फीमर के नीचे अटैच होंगे टीबिया एंड फिबुला। एंड देन इसके बाद जैसे रिस्ट की बोन होती है उसी स्मॉल बोन, तो उसी की तरह यहाँ पे टॉर्सल्स प्रेजेंट होंगे, कार्पल्स इन रिस्ट
और एंकल इन टॉप इन एंकल टॉर्सल्स आर प्रेजेंट देन टॉर्सल्स विच इज अ एंकल बोन टॉर्सल सेवन इन नंबर होगा टॉर्सल के बाद सिमिलरली जैसे कार्पल में होते हैं कार्पल के बाद मेटा कार्पल सिमिलरली यहाँ पर भी मेटा टॉर्सल फाइव इन नंबर देन फैलेंजेस फिंगर बोन विच इज फिंगर बोन फैलेंजेस 14 इन नंबर अब यहाँ पर एक और बोन प्रेजेंट होगा वो है नी का वन इन नंबर कवरिंग ऑफ नी इज नी का तो ये वन नी का अगेन वन इन नंबर तो टोटल 30 बोन हो गए ना इसके बाद जो ये आर्टिकुलेट विद द पैल्विक गर्डल से के थ्रू हाइंड लिम्स आर्टिकुलेट करेंगे और पेक्टोरल गर्डल के थ्रू यहाँ पे फोर लिम्स आर्टिकुलेट करेंगे तो फोर लिम्स पैल्विक गर्डल के थ्रू कैसे और पेक्टोरल गर्डल के थ्रू कैसे आर्टिकुलेशन होता है फोर लिम्स और हाइंड लिम्स का ये देख ले रहे हैं बाय द जॉइंट्स हम इन नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले पैल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल व्हाट इज पैल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल दीज आर पेक्टोरल गर्डल पेक्टोरल गर्डल में कैसे बोन प्रेजेंट होंगे तो ये जो पेक्टोरल गर्डल है ये टू इक्वल हाफ में बोन्स प्रेजेंट होंगे दैट मीन्स राइट एंड लेफ्ट साइड जहाँ से राइट एंड लेफ्ट आर्म जुड़े होंगे और आर्टिकुलेशन जहाँ पे होगा तो ये टू इक्वल हाफ में प्रेजेंट होंगे एंड बोन्स आर क्लेविकल स्कैपुला वन क्लेविकल वन स्कैपुला नेक्स्ट बोन इज पेक्टोरल गर्डल दिस बोन क्लेविकल बोन इज ऑल्सो नोन एज कॉलर बोन कॉलर बोन नाउ सेकेंड इज पेल्विक गर्डल व्हाट इज पेल्विक गर्डल इट इज ऑल्सो कंसिस्ट टू इक्वल हाफ Now bones, there are mainly three bones in each half. First is isthmus. Second is ischium. Second is ischium and third bone is pubis. Third bone is pubis. तो ये different bone यहाँ पे present होंगी. Third bone तो over कितनी होगी? Isthmus, ischium and pubis.
प्यूबिस, फिर सूचर के थ्रू ये जॉइंट रहते हैं। अब जॉइंटिंग कहाँ किसके थ्रू होगी, प्यूबिस के, सूचर के थ्रू, तो टू इक्वल हाफ कैसे जॉइंट रहेंगे, यहाँ पे टू इक्वल हाफ बिल्कुल सेपरेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे पेल्विक गर्डल में टू इक्वल हाफ सूचर के थ्रू और जॉइंट के थ्रू एक दूसरे से जॉइंट रहते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे जॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट क्लास।